दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं। इनफैक्ट वो मेडिसिन जिसके बारे में अभी ये जो महामारी फैली हुई है उसके टाइम में जो मैक्सिमम होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में बात की जा रही है, मेरी क्लिनिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे उस मेडिसिन के बारे में बहुत ज्यादा जो है मतलब प्रमोशन हो रहे हैं, और उसी के साथ के अंदर मैंने देखा दोस्तों कि इस मेडिसिन को हमने भी हमारी क्लिनिक पे यूज किया और हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्पिडियोस्पर्मा मदर टीचर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, उसमें जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो इस मेडिसिन से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, यानी वो चीजें जो लोग मैक्सिमम जानना चाहते हैं, और मैंने ये देखा कि इस मेडिसिन से रिलेटेड बहुत से लोगों को कंफ्यूजन्स भी है, तो वो भी मैं आपके साथ में क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के हो सकता है कि सवाल आपके दिमाग में भी हो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला वो ये लोग पूछते हैं कि सर, अभी जो महामारी फैली हुई है, क्या जो ये मेडिसिन है एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर, क्या उससे बचाव करती है? दोस्तों, मेरा आंसर है नो, ये उसकी प्रिवेंटिव बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर अभी जो महामारी फैली हुई है, जो वायरल डिजीज फैली हुई, क्या ये उसकी मेडिसिन है, क्या उसको ठीक करने की मेडिसिन है? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का सीधा से कहूं कि क्या इस बीमारी को ठीक करने की दवा है, मैं बोलूंगा नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये लंग्स को मजबूत करती है, क्या ये आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करती है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है? दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, ये आपके लंग्स को मजबूती देती है, आपके लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और आपके लंग्स को फेल नहीं होने देती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो ये कि क्या एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर O2, यानी जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है जिसके लिए इस मेडिसिन का मैक्सिमम आजकल बात हो रही है, क्या ये उसको बढ़ाने में मदद करती है? दोस्तों, आंसर है हाँ, लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम है और आप इस मेडिसिन को रैंडम जाके यूज कर ले। होम्योपैथी के अंदर हर मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट हाँ, रूटीन में मैं कह सकता हूं आपके लंग्स को मजबूती देती है और ऑक्सीजन को सेचुरेशन बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है। और मैंने भी क्लिनिकली देखा कि जहां भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स मिलते हैं और इसको यूज किया है, हमें बहुत ही अच्छे, मैं कह सकता हूं, चमत्कारिक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और बहुत से लोगों को आप कह सकते हैं उनको जिंदगी बचाने के अंदर भी इस मेडिसिन ने बहुत ज्यादा मदद की है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो और क्लिनिक पे कॉमन देखने को मिलता है कि सर, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या होना चाहिए और किस सेचुरेशन लेवल पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई तकलीफ तो नहीं है? दोस्तों, आज का जो सिनेरियो चल रहा है चारों तरफ इस महामारी का, उसके अंदर लगभग सभी घरों के अंदर जो है पल्स ऑक्सीमीटर, यानी वो मशीन जो कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन बताती है, वो घर पे रखने लगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक आपके घर पे नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको इस टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने वाली मशीन है, आपको अपने घर पे रखनी चाहिए। आप जानते हैं, एक छोटी सी मशीन है जिसको आप अपनी फिंगर अंगुली में लगाते हो और छोटा सा जो बटन होता है उसको ऑन करते हो तो ये रीडिंग देने लगती है। दोस्तों, जब रीडिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रीडिंग ले रहे हो उसमें कम से कम 10-15 मिनट आप आराम से घर में बैठे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको फिजिकल एक्टिविटी करके आए, दौड़ के आए, चल के फिर के आए, तुरंत मशीन लगा आपने फिंगर के लगा ली, आपकी रीडिंग गलत आएगी। आप 10-15 मिनट आराम से एक रेस्टिंग फेज पे अपने घर में, हो सकता है चेयर पे बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो, उसके बाद आपको रीडिंग लेनी चाहिए। सेकेंडली, जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जब आप मशीन अपनी फिंगर में लगाते हो, आप वेट करें, जैसे आप लगाओगे वो एक रीडिंग बताने लगेगी, बट पहली रीडिंग को आपको नहीं मानना है। लगभग 30 सेकंड के बाद में जो रीडिंग आएगी, 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट तक वेट कर सकते हो, एटलीस्ट आप कह सकते हो 30 सेकंड के बाद में, 1 मिनट तक, लगभग 1 मिनट के बाद में एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट रीडिंग देखने को मिलेगी, उस रीडिंग को आपको कंसिडर करना है, वही आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन की रीडिंग है। नॉर्मल रेंज की बात करें कि नॉर्मल रीडिंग क्या है, दोस्तों नॉर्मल रीडिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि आप देखोगे कि रूटीन के अंदर कोई भी हेल्दी मेल या फीमेल जिसको पहले से कोई तरह की बीमारी नहीं है, तो उनका सेचुरेशन यूजुअली 97, 98, 99 आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यानी 97 से ऊपर देखने को मिलेगा, ये कई बार 100 भी बता सकता है, बट यूजुअली 98, 99 की हमें रीडिंग देखने को मिलती है, 97 भी हो सकता है। और अब बोले कि कहां तक आपको जो है सेफ जोन में हो, तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा 95 से लेके 100 तक की कुछ भी रीडिंग आ रही है तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑलरेडी आपको अस्थमा है, कोई हार्ट डिजीज है, लंग्स वगैरह, ऐसी बीमारियों के अंदर आपका सेचुरेशन 95 भी बता सकता है, वो भी नॉर्मल माने जाएगा। तो आपको सावधान कब होना है? दोस्तों, अगर आपका सेचुरेशन लेवल 95 से नीचे जा रहा है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, और अगर 92 हो गया, 93 हो गया या 90 के नीचे चला गया
तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन से जाके मिलने की जरूरत है। फिर आपको चांस नहीं लेना है, कोई सेल्फ मेडिकेशन, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तुरंत अपने नजदीक में जाके आपको डॉक्टर साहब के संपर्क में रहना है और जैसी वो आगे गाइडलाइन देंगे उसको आपको फॉलो करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर के बारे में। ये मैंने वो क्वेश्चन एड्रेस किए जो बहुत ज्यादा भी पूछे जा रहे हैं और कुछ आपके कंफ्यूजन होंगे तो भी मैं कोशिश की कि आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों होम्योपैथी में आप जानते हैं मेडिसिन कोई बीमारी की नहीं दी जाती, सिम्टम्स की दी जाती। कई बार हमारे यहाँ हम कुछ बीमारी का नाम भी ले लेते हैं तो उस बीमारी जो है बहुत बड़ा नाम होता है, उसके बहुत से सिम्टम्स होते हैं। होम्योपैथी सिम्टम्स लक्षण के अनुसार दी जाती है। और दोस्तों आज मैं आपको एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर की जो बात कर रहा हूँ वो हमारा होम्योपैथी की जो बहुत ही फेमस वर्ल्ड वाइड जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड बुक है डॉक्टर विलियम बोरी के, उससे आप रेफरेंस से मैं आपको उसके बताने जा रहा हूँ कि ये मेडिसिन ऑथेंटिकली होम्योपैथिक जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं बुक्स हैं उनमें क्या लिखा है। दोस्तों डॉक्टर विलियम बोरिक में पेज नंबर 85 पे आपको एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मैं कुछ मेन जो उसके हेडलाइंस है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों वहां लिखा गया है कि एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर जो है डिजिटलिस ऑफ लंग्स है। डिजिटलिस ऑफ लंग्स की क्या मतलब है दोस्तों, कि जो डिजिटलिस एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर हार्ट फेल हो रहा होता है, अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, आप कह सकते हो हार्ट अगर बिल्कुल काम जो है अपना बंद कर रहा होता है, उस कंडीशन में भी अगर उनको डिजिटलिस दी जाती है तो वो हार्ट को फेल नहीं होने देती। उसी तरह से इसको डिजिटलिस ऑफ लंग्स कहा गया है, यानी अगर आपके लंग्स की इतनी खराब हो गया है, कोई भी बीमारी, कुछ भी नाम हो सकता है उस बीमारी का, लेकिन सिम्टम या लक्षण अगर ऐसा है कि आपके लंग्स बिल्कुल फेल हो गए हैं, लंग्स बिल्कुल काम करने की कंडीशन में नहीं, इतने खराब हो गए हैं, तो दोस्तों जो ये मेडिसिन एस्पिडियोस्पर्मा आपके जो लंग्स हैं उनको फेल नहीं होने देगी और उनकी जो वर्किंग एफिकेसी उसको बढ़ाएगी। ओवरऑल आप कह सकते हो ये लंग्स का बहुत अच्छा टॉनिक है और लंग्स को खराब होने नहीं देगी, उनको एक नई एनर्जी देगी। दोस्तों लिखा है कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। हमारी जो ब्रेन होती है वहां पर दोस्तों हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को, यानी हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया उसको कंट्रोल करती है। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को ये मेडिसिन जाके एक्टिवेट करती है, जिसका आपका रेस्पिरेशन कभी बंद नहीं होगा और उसको हमेशा एनर्जी मिलेगी और आपका लंग्स प्रॉपरली रेस्पिरेशन करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ब्रेन पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उस पे ये मेडिसिन काम कर रही है और आपके लंग्स को ताकत दे रही है, लंग्स को फेल होने से बचाती है। तो आप समझ सकते हैं लंग्स की कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट वहीं पे लिखा है कि इट इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप सिंपल से इतना समझ सकते हो कि ये आपका जो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो ब्लड की जो आप कह सकते हो गंदगी है उसको हटाएगी और आपकी जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी। उसका आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको रूटीन की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपके ब्लड के अंदर ये आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, सेचुरेशन है, उसको बढ़ाने के अंदर मदद करेगी। दोस्तों डॉक्टर विलियम बोरिक में नेक्स्ट लिखा है कि ये पुलमोनरी स्टेनोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। पुलमोनरी यानी लंग्स, स्टेनोसिस यानी वहां रुकावट। दोस्तों कोई भी कारण से अगर आपके लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर संकीर्णता आ गई है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई स्टेनोसिस के कारण, तो एस्पिडियोस्पर्मा उसको दूर करती है। वो चाहे किसी भी बीमारी के कारण अगर आपके लंग्स में फेफड़ों में बदलाव आया तो उसको दूर करती है, यानी उस तकलीफ को ठीक कर देगी, तो नेचुरली आपके लंग्स है फेफड़े बेटर वे में काम करने लगेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वहां पे लिखा है कि थ्रोम्बोसिस ऑफ पुलमोनरी आर्टरी। दोस्तों पुलमोनरी आर्टरी यानी आपके फेफड़ों को जो वो आर्टरी यानी वो खून की नस जिसको कि आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है उसको पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा आजकल कई बार आपको सुनने को मिलता है कि ब्लड क्लॉट बन गए, खून के थक्के जम गए। आपके लंग्स में फेफड़ों की जो ब्लड सप्लाई ले जाती है पुलमोनरी आर्टरी, अगर उस आर्टरी में कहीं भी कोई भी तरह का थ्रोम्बोसिस हो गया है, खून का थक्का जम गया है, जिसके कारण वहां की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी नेचुरली, जिसके कारण आगे चल के अगर आपके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स फेल्योर होने का रिस्क हो सकता है, तो दोस्तों इसको दूर करती है। यानी लंग्स में अगर वहां ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी तरह की जो रुकावट आई है, थ्रोम्बोसिस बन गया है, थक्का जम गया, तो ये उसको डिजोल्व करने में भी आपकी मदद करती है। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है यूरेमिक डिस्पनिया। यानी दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आपको वापस समझना होता है। यूरेमिक यानी कोई भी कंडीशन जिसमें आपकी अगर किडनी से कोई रिलेटेड हो गया, सीकेडी वगैरह, किडनी फेल्योर वगैरह के केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में भी कई बार क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स में इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस आपको मुश्किल से आता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको ये लक्षण आ रहा है कि आपको सांस जो है वो मुश्किल से आ रहा है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है।
दोस्तों नेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है एन इफेक्टिव रेमेडी इन मेनी केसेस ऑफ अस्थमा, यानी बहुत से केसेस जो कि अस्थमा के हैं ये उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। अब दोस्तों यहां समझने की बात क्या होती है, मैंने आपको शुरू में बताया होम्योपैथी सिम्टम्स पे चलती है, अस्थमा यहाँ क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है ये महामारी नहीं है तो नेचुरली इसका नाम उस टाइम बुक्स में कहां से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो अस्थमा के सिम्टम्स है अगर इस तरह के सिम्टम किसी भी बीमारी में देखने को मिल रहे हैं तो उसकी रेमेडी है यानी मेडिसिन है। दोस्तों अस्थमा के सिम्टम या लक्षण अगर आप जानते हैं तो हम शॉर्ट में समराइज करें तो अस्थमा में क्या होगा, कोई भी आदमी होगा उसकी सांस फूलने लगेगी, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उसकी चेस्ट यानी छाती पे भारीपन रहेगा, उसको थोड़ा सा चलेगा फिरेगा उतने में उसकी जो है सांस मुश्किल से आने लगेगा, उसके छाती और गले के अंदर आप देखेंगे उसको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, उसी तरह से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जब उसको सांस की प्रॉब्लम है, सांस मुश्किल से आ रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, कई बार उसको सूखी खांसी भी आने लगती है, कफ और बलगम उसको तंग करने लगता है बहुत सी बार, तो दोस्तों इन सारी चीजों के साथ में उनका ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो भी नीचे होने लगता है। बीमारी का कोई भी नाम हो लेकिन इस तरह के अगर सिम्टम्स कोई पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो एस्पिडियोस्परमा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है वांट ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग एग्जर्शन इज गाइडिंग सिम्टम, यानी कोई भी ऐसी अगर कोई आदमी कोई भी मान लीजिए मूवमेंट कर रहा है या चाहे बैठा है या थोड़ा चल फिर रहा है लेकिन उसकी सांस फूल रही है, वो चाहे बैठे बैठे फूल रही है या थोड़े चलते फिर उसको लग रहा है मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, मुझे और हवा चाहिए, मुझे को सांस लेने में तकलीफ है, अगर इस तरह की तकलीफ है कि उसको ब्रीथिंग में जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, वांट टू ब्रीथ, वो चाह रहा है मुझे सांस आराम से आ जाए, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही, तो एस्पिडियोस्परमा उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट वहां लिखा है कार्डियक अस्थमा, दोस्तों जो कार्डियक पेशेंट होते हैं वो लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी अस्थमा की तरह सिम्टम्स आने लगते हैं, वही सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताया, तो इन सारी चीजों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ वो सिम्टम्स शेयर किए, अगर इस तरह के सिम्टम्स बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है तो आपको वहां पे एस्पिडियोस्परमा यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगर हम सारांश की बात करें एस्पिडियोस्परमा मदर टिंचर की, तो आपने अभी तक ये समझा कि आपके लंग्स का बहुत अच्छा टॉनिक है, आपको लंग्स को फेल नहीं होने देती, जिस तरह से कि डिजिटली हर्ट को फेल नहीं होने देता एस्पिडियोस्परमा लंग्स को फेल नहीं होने देगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट रखेगी जो कि रेस्पिरेटरी जो आपकी मसल्स है लंग्स का उनको काम करवाने के लिए उनको जो है रेगुलर मैसेज देगी और वर्किंग होगी और आपके लंग्स को फेल नहीं होने देगी। जब ये सारी चीजें नहीं होगी तो नेचुरली आपका जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है उसको भी आपको गिरने नहीं देगी और अगर नीचे जा रहा है तो उसको तुरंत इंप्रूव करने में मदद करेगी। और दोस्तों ये तो बुक्स में लिखा है और मैंने क्लिनिकली भी देखा है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर सिम्टम्स मैच होते हैं आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपरली इस मेडिसिन को लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले। दोस्तों अगर अब हम बात करें इसके मतलब डोज की, तो देखिए डोज की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि डोज जो है वो भी वेरी करती रहती है, लेकिन मैं बुक के रेफरेंस से आपको बात करूं, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो इसकी पहले तो पोटेंसी की बात करें, ये 1x पोटेंसी में मिलती है, आपको 3x पोटेंसी मिलेगी और मदर टिंचर में भी मिल जाएगी। अगर मैं बताऊं मैं रूटीन में कहां यूज करता हूं तो मैं 3x पोटेंसी यूज करता हूं या मदर टिंचर में यूज करता हूं, और दोस्तों जो मदर टिंचर है इनफैक्ट वो इसका बेस्ट रिजल्ट देता है और फिर 3x भी यूज की जा सकती है। रूटीन की हम डोज की बात करें तो जो एस्पिडियोस्परमा मदर टिंचर है इसको दोस्तों अगर सीवियर कंडीशन है, पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, मान लीजिए किसी के लंग्स बहुत ज्यादा बिल्कुल फेल होने की कंडीशन है या उसका सेचुरेशन बहुत ही कम है, तो बुक्स में भी लिखा है और मैंने भी यूज किया है, इसको हर 1 घंटे से यानी हर 60 मिनट से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी शुरू में 5-6 डोज तो आप हर 1 घंटे से दे सकते हैं और उसके बाद में जब थोड़ा सा लगे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो आप इसको हर 2 घंटे से दे सकते हैं, फिर 3 घंटे से, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और लास्ट में आप इसको धीरे धीरे दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों मदर टिंचर है तो लेने का तरीका आप जानते हैं, एक जो कप होता है जैसा मैं हमेशा कहता हूं उस कप को साफ सुथरा क्लीन कर लें, उसमें 15 बूंद आपको स्टैंडर्ड जो एडल्ट डोज है एक व्यस्क के लिए मैं कह रहा हूं उसको 15 बूंद आप इसकी एस्पिडियोस्परमा मदर टिंचर की डाल दें, फिर उसमें लुकवार्म गुनगुना पानी डाल दें, आप लगभग आधा कप ले सकते हैं और पानी, और अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो आप उसको ज्यादा पूरा कप भी भर के ले सकते हैं, बाकी इसका टेस्ट अच्छा होता है। यूजुअली मैं आपको एडवाइस करूंगा आधे कप पानी उसके अंदर गुनगुना पानी जो होता है लुकवार्म वाटर डालें और सिप बाय सिप धीरे धीरे घूंट घूंट करके आप दिन में इसको जैसा कि आपको रिकमेंड किया है, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हर 1 घंटे से ले लें, थोड़ा कंफर्टेबल होने हो गए तो उसके बाद हर 2 घंटे से 3 घंटे से और लास्ट में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे जब स्टेबल हो जाए तो दिन में 2 बार 1 बार ऐसे करके आप बंद कर सके, ये इसकी स्टैंडर्ड डोज है जो मैंने आपको एडवाइस की। दोस्तों मैं यहाँ आपको ये भी कहूंगा कि एज पर नीड और सिम्टम आपको एस्पिडियोस्परमा तो आपके डॉक्टर लिख ही सकते हैं, उसके साथ में और भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है
जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, जैसे मतलब जो भी है आपका सेचुरेशन कम हो रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, आपको खांसी आ रही है या फीवर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली और भी बहुत सी मेडिसिन है जो आप अपने डॉक्टर साहब से जब डिस्कस करेंगे तो ऐड की जा सकती है। तो जैसा मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, आप हमेशा कोशिश करें अपने नजदीक में डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर उनके गाइडेंस में एक बार डिस्कस करके मेडिसिन लें, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एस्पिडियोस्परमा मदर टिंचर पे जानकारी दी है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।